भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से भाखड़ा डैम के फ्लड गेट्स खोलकर तकरीबन 19,000 क्यूसेक पानी फ्लड गेट के जरिए छोड़ा जा रहा है। बीबीएमबी ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भाखड़ा डैम का 16 अगस्त का जलस्तर लगभग 1674 फुट है और भाखड़ा डैम में अधिक से अधिक 1680 फुट तक पानी आ सकता है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से भाखड़ा डैम के फ्लड गेट्स खोलकर तकरीबन 19,000 क्यूसेक पानी फ्लड गेट के जरिए छोड़ा जा रहा है। बीबीएमबी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भाखड़ा डैम का 16 अगस्त का जलस्तर लगभग 1674 फुट है। भाखड़ा डैम में अधिक से अधिक 1680 फुट तक का पानी आ सकता है। दूसरी ओर हर रोज टर्बाइन के रास्ते 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, तो कुल मिलाकर 36,000 प्लस 19,000 जो कि 55,000 क्यूसेक पानी बनता है। ये पानी भाखड़ा से निकलकर नंगल डैम पहुंचेगा। आज इस समय भाखड़ा जलाशय में 1674 फीट का लेवल है और आईएमडी की तरफ से आने वाले 2-3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड मैनेजमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि भाखड़ा बांध से फ्लड गेट से कुछ पानी छोड़ा जाए। इस समय 36,000 क्यूसेक पानी टर्बाइन के थ्रू छोड़ा जा रहा है, जिसको बढ़ाकर हम 50,000 तक पहले लेकर जाएंगे, फिर इसको 55,000 तक लेकर जा सकता है। भाखड़ा डैम से जो नीचे से 50 और 55 के बीच में पानी जाएगा, उसमें से 23,000 क्यूसेक पानी हमारे नंगल हाइडल चैनल और अनंतपुर हाइडल चैनल से पहले ही जा रहा है और बाकी बचा हुआ 27,000 से 30,000 क्यूसेक पानी नंगल डैम स्ट्रीम के नीचे छोड़ा जाएगा। हालात पे पूरी नज़र रखी हुई है और आने वाले इनफ्लोस को ध्यान में रखते हुए इसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी और हर कोशिश की जाएगी कि अगर नीचे भाखड़ा डैम के डाउनस्ट्रीम एरिया में जो भी खड्ड हैं अगर उनमें भी पानी भारी पानी आता है तो या हमारे भाखड़ा से जो रिलीजेज हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा ताकि सिंक्रोनाइजेशन अवॉइड की जा सके। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।